हाँ पिछले 15 साल पिछले 15 साल गणपति को आप अपने घर में लेकर आएंगे, पप्पा को अपने घर में लेकर आएंगे, लगता है मुरादें सारी पूरी होती हैं। ऑफ कोर्स देखो, जब मुरादें पूरी होती तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो कैसे पापा के सामने तो झूठ नहीं चलेगा ना। और भगवान है, वो तो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। कट, अरे रुको ना यार, 2 सेकंड। तो अभी भगवान के सामने तो कोई झूठ नहीं बोल सकता, तो ये वाकई में ये सच बात है कि पापा ने मेरी ऑलमोस्ट सारी विश, सारी मनोकामना पूरी की है। और मैं 15 साल से रखते आ रही हूँ, और जब तक जा में जान है कोशिश करूंगी कि आने वाले हर साल में रखूं। कोई सबसे बेस्ट वाली तो मुराद लगता था कि नहीं होगी और वो हो गई, हो जाना। जिंदगी में चाह था कि एक, जब छोटे होते हैं तो फिर एक मनोकामना होती कि हम वन ऑफ द फेमस लिस्ट में आए या वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी में आए। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज मीडिया में, आज अपनी फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे लोग फेमस पर्सनालिटी, आज उसमें तनिषा सिंह का भी नाम है। तो कहीं ना कहीं पापा की ही कृपा है, जो आप सब लोग जानते हैं मुझे और आप सब लोग का प्यार मेरे साथ है, तो ये पापा की ही कृपा है। पहले तो आज से 15 साल पहले पीछे जाएंगे तो तब तो मैं खुद स्टूडेंट थी, स्कूल स्टूडेंट थी। और जैसे जैसे ग्रोन अप होते गए, लाइफ आगे जैसे जैसे लाइफ बढ़ती गई, फिर सोचा था कि कौन से फील्ड में जाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। बट अगर 15 साल पहले देखा जाए तो ऑफकोर्स तनिषा सिंह तो ज़ीरो थी, बिकॉज मैं थी कितनी। और आज की डेट में आगे बहुत कुछ करना है, अभी सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। बट हाँ, आज अपने आप में खुशी होती कि लोग मुझे जानते हैं, मेरे नाम से मुझे पहचानते हैं। मतलब यू नो, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, होती है ज़्यादातर कि हूँ मायम। तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, और ये गणपति पप्पा की कृपा से है और आप लोग के भी प्यार से है। बिग बॉस 8 आ रहा है जी, क्या तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं फाड़ दूँगी, चीर दूँगी, ये कर दूँगी, क्योंकि ये गलत होगा। कोशिश करूँगी मैं बिग बॉस में थोड़े से अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल रखूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली नहीं हूँ, पर कहते हैं ना, जब तक कोई मुझे छेड़े ना, मुझे कोई ज़्यादा तंग ना करे, मुझे मेरी कहते पूछ पे कोई पैर ना रखे, तो मैं बहुत शरीफ हूँ, बहुत ईमानदार हूँ। बट अगर ज़्यादा कोई पोकिंग करे तो फिर यार मैं भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हूँ। सलमान भाई फिर से एक बार जलवा करें बिग बॉस में। हाँ, उनके लिए क्या तैयारी की है? बस ये कहूँगी कि मुझे बिग बॉस में मुझे ज़्यादा डांटे ना। क्योंकि सबको बहुत फर्स्ट था, सब की बहुत क्लासेस लेते हैं, तो मेरी थोड़ी सी कम क्लास में, बस ये मैं सलमान जी से बोलना चाहूँगी। मैं नहीं समझती मैं इतना बड़ा नाम है मेरा, क्योंकि कभी भी इंसान को सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो सेटिस्फाई हो जाता है, जिस दिन उसमें ये घमंड आ जाता है कि मुझे तो पूरा वर्ल्ड जानता है, जिस इंसान में ये घमंड आ जाता है कि मेरा नाम ही काफ़ी है, तो इंसान वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे में वो ईगो आए, वो एटीट्यूड आए, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी आप लोग से कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, और बहुत कुछ करने के लिए तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और जैसे मैंने आपको पहले टाइम भी